पिछले एक सप्ताह से हो रही भारी बारिश के कारण लगातार क्षतिग्रस्त हो रहा था ब्रिज का कुछ हिस्सा, जिसकी आशंका लगातार व्यक्त की जा रही थी। आखिरकार वह बीती देर रात वास्तविक हो गया। बीते कल शाम से भारी बारिश शुरू हुई थी और इस भारी बारिश के कारण बलासन नदी का जलस्तर एक बार फिर से उफान पर उठा, जिसका प्रभाव लोगों की आवाजाही के लिए बनाए गए वेदर ब्रिज को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। आपको बता दें, बीती देर रात बलालन नदी के तेज बहाव में 40 मीटर का वेदर ब्रिज टूटकर गिर गया। निशान के लिए सिर्फ नदी में हिम पाइप ही बच गया। उल्लेखनीय है कि पिछले एक सप्ताह से उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों के साथ सिलीगुड़ी में लगातार भारी बारिश हो रही थी। इस भारी बारिश के कारण बवासन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। यही सब देखने के लिए नक्सलबाड़ी और माचीगारा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक आनंदमय वर्मन के साथ और भी कार्यकर्ता थे। नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ वेदर ब्रिज के कुछ हिस्से का प्रभाव पड़ रहा था और जिस ब्रिज लगातार क्षतिग्रस्त हो रहा था, लेकिन पीडब्ल्यूडी की तरफ से लगातार ब्रिज की मरम्मत का कार्य भी चलाया जा रहा था, ताकि लोगों की आवाजाही में किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। लेकिन रविवार रात चंद घंटों की बारिश में बलासन नदी के ऊपर ब्रिज की पूरी तस्वीर ही बदल कर रखती है। आपको बता दें, गत वर्ष अक्टूबर महीने में बलासन ब्रिज का 3 नंबर पिलर भारी बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में प्रशासन ने बलासन के ऊपर बनी बैली ब्रिज के ऊपर दबाव कम करने के लिए नदी के ऊपर वैकल्पिक मार्ग के रूप में वेदर ब्रिज का निर्माण करवाया था। करीब 70 लाख रुपए में 44 मीटर का ब्रिज और 200 मीटर रास्ते को पीडब्ल्यूडी की तरफ से निर्माण करवाया गया था। निर्माण के दौरान ही पीडब्ल्यूडी की तरफ से बता दिया गया था कि यह ब्रिज बारिश के मौसम में नहीं चलेगा, पर वही सच साबित हुआ। যেটা গত 5 মাস আগে তৈরি করা হয়েছিল বালাসনের যে বেলি ব্রিজ, সেটাতে দিক থেকে আর যান চলাচলটা খুব স্বাভাবিক ছিল না, অসুবিধা হচ্ছিল, তার কারণে যাতে সাধারণ মানুষের যাতে অসুবিধা না হয় সেই জন্য এই ডাইভারশনটা কেন্দ্র সরকার 70 লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি করে দেয়। কিন্তু যেভাবে বর্ষার জল দিনকে দিন লাগাতার কন্টিনিউ বর্ষা, তো তাতে আমরা আশাই করছিলাম যে এটা হয়তো বেশি চলবে না। তো স্বাভাবিকভাবে গত রাত্রে সেটা ডাইভারশনটা আর চলে গেছে বর্ষাতে ভেসে। কিন্তু আমাদের কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে প্রচেষ্টা জারি আছে, আবার সকালবেলা তো ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে কথা হয়েছে, যে রেডিসি কর্তৃপক্ষের ইঞ্জিনিয়ার আছে, তারাও সেখানটা যাতে বেরি বৃষ্টি খুব তাড়াতাড়ি ঘুরে দেওয়া যায় তার চেষ্টা করছে। তাদের বক্তব্য যে 90% কাজ আমাদের হয়ে গেছে, আর 10% কাজ বাকি আছে, খুব তাড়াতাড়ি হয়তো সেটাও হয়ে যাবে। আর তারা বলছে যে আরেকটু সময় লাগবে, তাহলে আরেকটু সময় হয়ে গেলে বেরি বৃষ্টিটা ঘুরে দেওয়া, বেরি বৃষ্টি ঘুরে না হয় তাহলে আগের যেভাবে মানুষের নদীর প্রতি